नमस्कार, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी को मेरे चैनल संजू सुन किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं शेर कुरमा। ये एक डिज़र्ट है, आप इसको कभी भी घर में बना के खा सकते हो। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गैस ऑन करके कढ़ाई में दूध को गर्म कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब हम इस दूध को अच्छे से बॉईल करेंगे। जब तक दूध बॉयल्ड होता है, हम सिवई और ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। हमने यहाँ पे दूसरी कढ़ाई गैस पे चढ़ा लिया है। दूध वाली कढ़ाई जो है, हमने गैस की दूसरी फ्लेम में सेट कर लिया है। अब हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा, हम इसमें सिवई डालेंगे। यहाँ पे मैंने लंबी और पतली वाली सिवई लिया है और उसको हाथ में थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब हम इसको घी में डाल देंगे। अब हम सिमई को घी के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। सिमई को हम लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। ये अच्छे से भून गया है, इसमें से एक अच्छा सा स्मेल आने लगा है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और गर्म करेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे बादाम। थोड़ा सा काजू। और नारियल को भी हम छोटा छोटा करके काट के डाल देंगे। और किशमिश। हम इसको स्लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें मखाने डालेंगे। अब हम मखाने को भी ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मखाने और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम दूध को चेक कर लेते हैं। ये उबलना शुरू हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर और पका लेंगे। अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से डालें। अब हम इसमें कूटी हुई इलायची डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 इलायची को कूट लिया है और उसको छिलका के साथ डाल रही हूँ। अब हम इलायची को दूध में अच्छे से मिला लेते हैं। दूध अच्छे से बॉइल्ड हो गया है। अब हम दूध में सिमई डाल देंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी सिमई के साथ थोड़ी देर पका लेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर वाला दूध डाल देंगे। केसर ऑप्शनल है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। और 2 टेबलस्पून गुलाब जल। गुलाब जल के बदले में आप केवड़ा वाटर भी यूज कर सकते हो। अब हम इसको मिला लेंगे।
ये बन गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको और ज़्यादा ठीक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ठीक हो जाएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल संजूस होम किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।